आपको टेक्नोलॉजी की अंडरस्टैंडिंग करनी पड़ेगी अगर आप नहीं करेंगे ऐसे सो यू विल बी फार बिहाइंड वो जो 16 साल मैंने इंडस्ट्री में और एजुकेशन इंडस्ट्री में गुजारे हैं मेरी जगह पे कोई भी यंगस्टर आज एजुकेशन इंडस्ट्री में आएगा तो वो 16 साल को दो साल में पूरा कर सकता है ऐसा मुल्क जिसके अंदर सेवेंटी परसेंट लोग अनएजुकेटेड हो बहुत बड़ी मार्केट है वेपन का साइज है बिजनेस का साइज है जो की हम बहुत बड़ा समझते हैं दो बिलियन डॉलर का और एजुकेशन के जो इंडस्ट्री है उसका साइज है साढ़े बिलियन डॉलर पूरी हॉलीवुड इंडस्ट्री है, वो 120 बिलियन डॉलर का है। अपनी अपनी कैपेसिटी में किसी के पास टॉर्च होगी एलईडी लाइट्स होंगी किसी के पास लालटेन होगी जो भी रास्ता दिखा सकते हैं किसी को दिखा दें और वो सही रास्ता सिलेक्ट करना तो ऑब्वियसली दिस इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी वो जो गेम खेलता है दो घंटे चार घंटे छे घंटे बच्चा बैठ के क्यों वो किताब क्यों नहीं पढ़ सकता छे घंटे आठ घंटे उस बच्चे की क्या डिस है असलकुमान आज मेरे साथ ताबिंदा हैं ये पाकिस्तान की खातिन की हीरोइन है मेरी भी हीरोइन है बहुत प्यारी बहन है और आ, हीरो वो होते हैं ना हीरोइन एक तो सीने वाली होती है इंजेक्शन वाली होती है और ये होती है जो बातों से इंजेक्शन लगा देती हैं और, है। और लोगों को इनक्रेज कर देती हैं और लोगों को अपने हम असर कर देती हैं तो मैं चाहूंगा कि थोड़ा सा आप बताएं कि आप ये एजुकेशनिस्ट बन गई हैं तो एजुकेशनिस्ट कैसे बन गई और क्यों क्यों बन गई और ये एजुकेशन साइबर जो है होती क्या है अच्छा सो एजुकेशन साइबा के बारे में तो एवरीबॉडी इज काफी फेमिलियर के एक रास्ता है एक डायरेक्शन है जो कि बहुत से इंस्टीट्यूशन माशाल्लाह पाकिस्तान में स्टूडेंट्स के लिए प्रोवाइड कर रहे हैं लेकिन अभी भी एक बड़ा गैप है जिसके बारे में हम सबको मिलकर सोचना पड़ेगा और वो गैप है कि क्या हम बच्चों को ग्लोबल स्केल पे जो यंगस्टर्स हैं या जो जॉब मार्केट है उसके लिए रेडी कर रहे हैं या नहीं आर वी रियली कॉन्ट्रीब्यूटिंग इन प्रोवाइडिंग मार्केट रेडी पीपल to टू द इंडस्ट्री और नॉट सो इट ऑल with the grassroots level. आपको स्कूल से start करना पड़ेगा ये सारी चीज़ों को क्योंकि parents जो हैं दे बिलोंग्स different generation. They were not privileged enough प्रिवेज इनफ के वो टेक्नोलॉजी को अंडरस्टैंड कर सकते या अपने बच्चों को उसके बारे में एजुकेट कर सकते वो लिटरेचर समझा सकते थे वो लैंग्वेज के बारे में कुछ बता सकते थे तरबियत कर सकते थे लेकिन वो हमें इस तरह के स्किल्स प्रोवाइड नहीं कर सकते थे तो आज के स्कूल्स को आज के इंस्टीट्यूशन को खुद से बकलब करना पड़ेगा और बच्चों को वो सब स्किल्स उनको देने पड़ेंगे वो पेरेंट्स नहीं दे सकते सो so, ये जनरेशन जी का जो एक बहुत बड़ा गैप है ऑल द इंस्टीट्यूशंस ऑफ पाकिस्तान एंड द एजुकेशनिस्ट जो भी इस बात को सुने उन सबके लिए ये है कि प्लीज डू समथिंग फॉर द पीपल ताकि वो आ, दुनिया में पाकिस्तानी होने पर फख्र कर सकें अपनी लैंग्वेज को प्रमोट करना एक अच्छी बात है लेकिन ग्लोबल लैंग्वेज है आपकी आपको इंग्लिश सीखनी पड़ेगी आपको टेक्नोलॉजी की अंडरस्टैंडिंग करनी पड़ेगी आपको सोशल मीडिया स्किल्स ग्राफिक डिजाइनिंग कोडिंग प्रोग्रामिंग ये बेसिक टेक्नोलॉजी के स्किल्स सीखने पड़ेंगे अगर आप नहीं करेंगे ऐसे सो यू विल बी फार बिहाइंड फ्रॉम द वर्ल्ड और रेहान भाई आपका शुक्रिया आपने इतने ज्यादा मजेदार किस्म की बातें की कि आप एजुकेशनिस्ट भी बन गई और बहुत सी अच्छी बड़ा अच्छा लगता है अपनी तारीफ सुन के लेकिन मुझे लगता है कि अभी भी वो जो 16 साल मैंने इंडस्ट्री में और एजुकेशन इंडस्ट्री में गुजारे हैं वो 16 साल मुझे आ, अगर मेरी जगह पे कोई भी यंगस्टर आज एजुकेशन इंडस्ट्री में आएगा तो वो 16 साल को दो साल में पूरा कर सकता है आई वॉज लेट और अभी जिस चेंज की हम लोग बात कर रहे हैं उस चेंज को अब आने वाले बच्चे जो है वो बहुत जल्दी कर सकते हैं चीजों को सो हम डायरेक्शन दे सकते हैं उस डायरेक्शन के ऊपर रोशनी अपनी अपनी कैपेसिटी में किसी के पास टॉर्च होगी एलईडी लाइट्स होंगी किसी के पास अः लाल टेन होगी वो अपनी अपनी कैपेसिटी में जो भी रास्ता दिखा सकते हैं किसी को दिखा दें और वो सही रास्ता सिलेक्ट करना तो ऑब्वियसली दिस इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी अच्छा तो आप इसमें हाँ, तौर पे आ गई शौक से आ गई जुनून है शौक है कि, किस में एजुकेशन स्पेस में रहना चाहती हैं रेहान भाई मुझे ऐसा लगता था कि और जो ट्रांसफॉर्मेशन मेरी जिंदगी में आई वो टू थाउजेंड सिक्सटीन से आई और उसका भी रीजन ये था मैंने देखा कि मैंने मैं बहुत नलायक बच्ची थी जब मैं स्कूल में पढ़ रही थी और मेरे जो टीचर्स थे वो इस वजह से पास कर देते होंगे कि चलो जी नालायक बच्चा लेकिन चलो इसको अगली क्लास में करवा दो प्रमोट करवा दो और कुछ प्रिवलेजेस और भी थे आज जब मैंने मैट्रिक किया आई वो टोटली समझ गए नालायक बच्चा और उसके बाद मेरी जिंदगी में जो चेंज आया वो चेंज था कि किताबें पढ़ो इल की तरफ आप सेल्फ लर्न होते हैं और वो मेरे कॉलेज से आया एक टीचर ने ज़िंदगी को बदला मेरी जिन्होंने बताया कि अगर तुम पढ़ोगी नहीं अगर तुम अच्छा अच्छे तरीके से नहीं चीज़ों के लेके चलोगी तो मसला होगा तो मैं पढ़ना शुरू हो गई लेकिन जब मैं पढ़ना शुरू हो गई तो मैं गोल्ड मेडलिस्ट भी बन गई पंजाब यूनिवर्सिटी की बड़ी बड़ी पोजिशन्स भी आ गई मेडल्स भी मिल गए फिर मुझे जब प्रैक्टिकल लाइफ में आई तो समझ आया कि पढ़ने ने मेरा कुछ नहीं बिगाड़ा था क्योंकि उस पढ़ाई को रियल टाइम में कनेक्ट ही नहीं कर सक रही थी अपने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस के साथ और फिर जब यूएई का मेरा एक एक्सपीरियंस हुआ आप एक्सपोजर से भी सीखते हैं चीज़ें तो दैट तो वाज एंटायरली डिफरेंट वर्ल्ड फॉर मी और फिर जब मैं यूरोप का चक्कर लगाया तो मुझे पता चला कि वो भी एक अलग दुनिया है तो आप आगे से आगे पढ़ते जाते हैं तो आपको पता चलता है कि आप कितना पीछे थे उस मुल्क में रह के जहाँ पे आपने दिन रात मेहनत भी की पढ़ाई भी की प्रैक्टिकली चीजों को नई नई चीजों को इंट्रोड्यूस भी करवाने की कोशिश की सो ये टू थाउजेंड में मेरी जिंदगी में ये ट्रांसफॉर्मेशन आई थी और एक पेन पॉइंट जब मैंने अपने बच्चों को खुद आ, स्कूल्स में एडमिशन करवाना शुरू किया तो मुझे पता चला कि रियल टाइम पेन पॉइंट्स तो पेरेंट्स के हैं ही डिफरेंट वो तो बच्चों को गधे बना रहे हैं आप किसी एक स्पेसिफिक स्कूल की या मैं पूरे एजुकेशन सिस्टम के ऊपर क्लेम नहीं कर रही लेकिन मैं सिर्फ ये बात कर रही हूँ कि जो आज का ट्रेंड है उस ट्रेंड को प्लीज आप उस बच्चे के साथ कनेक्ट करें उसे इंगेजिंग अः बना दे स्कूल को उस वो जो गेम खेलता है दो घंटे चार घंटे छह घंटे बच्चा बैठ के क्यों वो किताब क्यों नहीं पढ़ सकता छे घंटे आठ घंटे उस बच्चे की क्या डिस है टीचर के साथ और स्कूल के साथ या क्या इेलिवेंस है उस करिकुलम की सो so, इस वजह से ये तकलीफ मुझे 2016 से होना शुरू हुई जिसने मुझे कहा कि आप कुछ नया कर लो बजाय इसके कि हर वक्त हम प्रॉब्लम्स की बातें करें जैसे मैं हर हर दफा हर टॉक में ये कहती हूँ कि आप हर वक्त मसले को मसला ना कहें आप उसके हे आए कि आपका कंट्रीब्यूशन क्या हो सकता है थोड़ा हो लेकिन अच्छा हो जो भी कंट्रीब्यूट आप कर सकें सही है तो अब आप आगे क्या करना चाहती हैं आगे अब आपने हाल ही में कॉलेज को ज्वाइन किया बनाया और प्रमोट किया और अब आप जो है आ, उससे पहले सुपीरियर कॉलेज में थी उनका एक्सपीरियंस देखा वो एक जबरदस्त रोल मॉडल है आ, तो ऐसा मुल्क जिसके अंदर सेवेंटी परसेंट लोग अनएजुकेटेड हों बहुत बड़ी मार्केट है पाकिस्तान के अंदर टोटल जो है कॉलेजेस मेरे ख्याल में तीन हज़ार होंगे और एक सौ चवालीस से एक, एक सौ नब्बे यूनिवर्सिटीज़ हैं जबकि अमेरिका में जो कि हमारे पापुलेशन के करीब है मुल्क चार हज़ार यूनिवर्सिटीज़ हैं और हमारे मुल्क में दो सौ यूनिवर्सिटीज़ हैं तो हमारे पास तीन हज़ार यूनिवर्सिटीज़ की स्पेस है लाहौर में आपने बताया कि लास्ट टाइम की बाईस यूनिवर्सिटियाँ बन गई हैं तो बाकी जो शहर हैं मेट्रोज हैं सबर्ब्स हैं हमारे मुल्क में अभी भी लैंड अगर हम फर्श करें फार वेस्ट एरिया में जाके एक नई सिटी बनाते हैं जो कि सिर्फ एजुकेशन के लिए हो क्योंकि जो एजुकेशन का बिजनेस का साइज है जो दुनिया का वेपन का साइज़ है बिजनेस का साइज़ है जो कि हम बहुत बड़ा समझते हैं कि साइज़ है दो हजार बिलियन डॉलर का है दो ट्रिलियन डॉलर का है और एजुकेशन के जो इंडस्ट्री है उसका साइज़ है साढ़े तीन हजार बिलियन डॉलर 3.5 ट्रिलियन डॉलर्स ईयर का तो हम जो जो पूरी हॉलीवुड इंडस्ट्री का साइज है वो 120 बिलियन डॉलर का है तो उससे ढाई उससे बीस गुना बड़ा इंडस्ट्री का साइज है वो एजुकेशन इंडस्ट्री का साइज है तो मैं ये समझता हूँ जी तौर पे कि सुपीरियर कॉलेज पंजाब कॉलेज के स्टाइल के बायदा ग्रुप्स को एंगेज इनेबलर्स को सनी को मुझे और लोगों को इंगेज किया जा सकता है कि यार आप भी 500 कॉलेज का प्लान करें आप भी हज़ार कॉलेज का प्लान करें आप अपनी दो यूनिवर्सिटियाँ तीन यूनिवर्सिटियाँ पांच यूनिवर्सिटियों का प्लान करें क्योंकि इसमें पैसे बहुत हैं और आपके मुल्क में रॉ मटीरियल बहुत है आपके पास लोग बहुत हैं लोग दुनिया को कैपेसिटी चाहिए और उनको वो एजुकेशन चाहिए जो कि मार्केट की डिमांड है और अभी भी जो बच्चे निकलते हैं वो ऐसा तो नहीं है कि 90% जॉबलेस होते हैं वो तो सिर्फ पाँच दस परसेंट जो होते हैं वो परेशान होते हैं बाकी कही ना कहीं ना कहीं चाहे वो बन कबाब बेच के पैसे कमाएं चाहे कुछ करें घर में फारिग नहीं बैठे लोग क्योंकि वो उनको काम करना आ गया है तो अब आपका इन सब पस मंजर में आगे क्या प्लान है क्या करना चाहती है? अच्छा आगे का प्लान तो ऑब्वियसली मेरा एजुकेशन uh, बेस्ड ही है और वो जिस पेन uh, पॉइंट की मैं बात कर रही हूँ स्टार्टिंग फ्रॉम लेवल प्ले ग्रुप से स्टार्ट करें कुछ भी ऐसा जिसमें आप बच्चों को वो वाली स्किल्स सिखा सकें जो कि अभी नहीं सिखाए जा रहे टेक्नोलॉजी से इंट्रोड्यूस करवाए उसको सही रियल टाइम uh, में मतलब थर्टी मिनट्स का एक लेक्चर या फोर्टी फाइव मिनट्स के लेक्चर में बच्चा Uh, तो अभी इंगेज भी नहीं होता उस तरह की चीजों में आप स्टेम लर्निंग को प्रमोट करें इसके साथ साथ तो जो मेरा ऑब्जेक्टिव है वो ये कि और जनवरी में अभी रिसेंट मेरे साथ एक स्टैट शेयर हुए थे कि फैसलाबाद और लाहौर में सबसे ज्यादा बच्चे पैदा हुए लास्ट ईयर सो इट्स ह्यूज मार्केट अब उस ह्यूज मार्केट में वेयर द सप्लाई इज टू मच अगर बस बहुत से बच्चे आ रहे हैं और गैप बहुत बड़ा है मार्केट में सो so, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है कि हमें नए नए इंस्टीट्यूशन बनाने हैं ताकि हम अच्छी एजुकेशन प्रोवाइड कर सके और रियल टाइम मीनिंगफुल रिजल्ट जो हैं वो बच्चों को दें और बच्चे को रिजल्ट uh, ड्रिवन बनाएं बजाय इसके कि वो वर्क करें हर वक्त और गधों की तरह रट्टे लगाए चीजों के आई ऑलवेज वंडर क्यों इस बेसिक करिकुलम को हम फॉलो करते हैं स्टूडेंट डोंट वांट टू स्टडी दैट वो उस किताब को पूरी पूरी को रट्टा नहीं लगाना चाहता लेकिन हम उससे कहते हैं यू हैव टू डू इट और जिन स्कूल्स में एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग्स करवाई जा रही हैं और बाहर के मॉडल्स को यहाँ पे इंट्रोड्यूस करवाया जा रहा है आई एम सो सॉरी टू से बट दे आर नॉट

तो so, रिहान भाई आप जो मेरी मदद कर सकते हैं जो मुझे हेल्प कर सकते हैं वो ये कि माशाल्लाह माशाल्लाह यू हैव इस्टेबलिश सच बिग कम्युनिटी और आपका एक मकसद है कि मैंने तालीम को बिल्कुल कॉमन कर देना है सबके लिए हर किसी के लिए एजुकेशन होनी चाहिए एंड यू आर प्रोमोटिंग एजुकेशन फॉर ऑल

क्योंकि आप जो बात करते हैं कई दफ़ा बुरी लगती है आई स्टिल रिमेम्बर टू थाउजेंड ट्वेल्व में मैंने एक आ, पाकिस्तान सोशल मीडिया फॉरम करवाया था और वहां पर हम कुछ मर्चेंडाइज डिजाइन करवा रहे थे तो आपने हमसे थीम पूछा था और हमने थीम सस्टेनेबिलिटी का क्लाइमेट चेंज का बताया तो आपने कहा कि फिर मर्चेंडाइज की क्या जरूरत है इट शुड बी पेपरलेस यू शुड नॉट यूज द अदर मटेरियल तो आपकी मैंट्रोशिप बड़ी प्रैक्टिकल होती है ऑल कई दफ़ा बुरा भी लगता है बहुत ही रिस्टिक होती है लेकिन आई आई 60 70 है लोग अपना नाम भी नहीं लिखे लिख सकते हैं लोग तो आ, जो चीज मैं देख रहा हूँ वो ये देख रहा हूँ कि इनेबलर की तरह का एक्सट्रीम कॉमर्स की तरह का एक इनक्यूबेटर हो जो कि एजुकेशनिस्ट पैदा करता हो और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बनाना सिखाता हो जैसे लोग एमेजोन पे शॉप खोलते हैं वैसे लोग यूडीमी पे शॉप खोले स्किल पे खोले यूट्यूब पे शॉप खोलें खोले, और एजुकेशन को स्केल करें और आज से तीन साल के बाद एक मिलियन स्कूल खुले हुए हों जैसे एक मिलियन दुकानें खोली हैं तो एक मिलियन स्कूल खुले हों दैट इज ओनली व्हेन वी कैन स्केल और उसके अंदर ये होगा कि कोई आदमी जो है ना सिर्फ साबुन का स्कूल खोलेगा कोई आदमी जो है ना जनरल पेपर स्कूल खोलेगा कोई आदमी मोबाइल का स्कूल खोलेगा कोई आदमी ग्लास बनाने का स्कूल खोलेगा जैसे जो सिखाता है। लेकिन वो जर्नलिस्ट हो गया क्योंकि एक आदमी सब कुछ सिखा रहा है रेहान सब कुछ सिखा रहा है उसकी वजह यह है कि ऐसे टाइम पे मैंने शुरू किया कि जब कोई भी नहीं था तो हर चीज करनी पड़ती थी फिर आगे चलते गए चलते गए तो सनी की बारी आई तो जब सनी की बारी आई तो उसने सिर्फ और सिर्फ ई कॉमर्स को पकड़ा फिर एनेबलर्स की बारी आई तो फिर सिर्फ ई कॉमर्स को पकड़ा और अब फिर स्प्लिट होने की एटम को जरूरत है कि यानी कि एवोल्यूशन का टाइम है और और मज़ीद फोकस्ड इनक्यूबेटर्स की ज़रूरत है मैं ज़ाती तौर पे ये समझता हूँ कि इस वक्त ताबिंदा अगर चाहे तो वो पाकिस्तान में अगर बेड़ा बांध जी मैंने अगले पाँच साल में चालीस ऑनलाइन यूनिवर्सिटियां बल्कि पाँच चालीस नहीं चार चार हजार नई यूनिवर्सिटियां बनवानी है तो बड़े आराम से बनवा सकती है उसका वजह यह है कि आपका ग्रैंड आपका पास एबिलिटी है ग्रैंड है आपका नेटवर्क बहुत स्ट्रांग है आपका एक्सपीरियंस बहुत स्ट्रांग है और आपका पैशन बहुत स्ट्रांग है तो जिस तरह से आप गई और इनेबलर्स के साथ जाके आपने थर्टी कॉलेजेस खुलवा लिए छह महीने में तो आप यही चीज सैगल के साथ कर सकती हैं यही चीज आप एम के साथ कर सकती हैं यही चीज आप जहांगीर शी के साथ कर सकती हैं यही चीज आप जितने भी ऐसे कंपनीज हैं जो हर वक्त क्या रोते हैं हमें आदमी नहीं जिस कंपनी के पास आप चले जाएगा हमें आदमी नहीं है जिस इदारे से बात करेंगे हम आप अच्छा आदमी नहीं है तो भाई अच्छे आदमी तो आदमी तो है अच्छे का वर्ड जो है ना वो प्रॉब्लमेटिक है तो मुझे जो सोल्यूशन नजर आया है वो यही है कि मिसाल के तौर पर मैकडोनल्ड यूनिवर्सिटी है सबवे यूनिवर्सिटी है तो वो अपने लिए स्टाफ प्रोड्यूस करते हैं अपने लिए टीम्स प्रोड्यूस करते हैं सुपीरियर यूनिवर्सिटी को आई एम श्योर सबसे बड़ा एडवांटेज ये हुआ होगा कि उनको अपने लिए बंदे बनाने के लिए मिल गए होंगे अब फ्यूचर के अंदर जब वो वेंचर्स क्रिएट करेंगे तो वो पूरा पूरा सेगमेंट वहां से उठा के जो है अपने टीम को तैयार कर सकते हैं बच्चे भी हैं टीचर भी हैं इकोसिस्टम सिस्टम बना हुआ ठक फैक्ट्री बनाई और बंदे प्रोड्यूस कर लिए मैं जी तौर तो पे ये समझता हूँ जैसे कि आपकी स्पेशलिटी अभी है कि आप मल्टीपल नेटवर्क्स का हिस्सा हैं आप एजुकेशनिस्ट नहीं है खाली आप टेक्नोलॉजी नहीं है खाली आप कॉल सेंटर भी चलाती हैं आप एजुकेशन में भी हैं आप इको आप ई e कॉमर्स में भी हैं तो आप एक बहुत ही यूनिक कैरेक्टर हैं और उस कैरेक्टर के अंदर जो एडवांटेज आप उठा सकती हैं वही उठा सकती हैं कि आप चाहें और डिफरेंट बिजनेस हाउसेस को अप्रोच करें कि जी मैं आपके लिए एक स्कूल बनाना चाहती हूँ और आपके लिए कॉलेज बनाना चाहती हूँ आपने अपने लिए पांच बंदे प्रोड्यूस करने हैं अगले दस साल में

और वो अपने लिए बैंकर्स तैयार करे ब्रांच ऑपरेटर्स तैयार करे सीई तैयार करे और पूरी दुनिया में फैल जाए एमसीबी सिर्फ पाकिस्तान में है और पांच दस ब्रांच है पांच दस मुल्कों में और होगा दो सौ मुल्कों में से बीस मुल्क में ओके क्या कारनामा पंजाब दे दिया कोका कोला बनना चाहिए ना कि कोका कोला जो है आप मटागाकर चले जाए तो भी मिल जाएगी छांगा मांगा चले जाए तो भी मिल जाएगी जंबावे चले जाए तो भी मिल जाएगी तो स्केल कैसे करना है तो अगर हम स्केलिंग सोचें कि अगर माइक्रोसॉफ्ट का सॉफ्टवेयर दुनिया की हर जगह चल सकता है तो एमसीबी का सॉफ्टवेयर हर जगह क्यों नहीं चल सकता इसलिए कि हमारे पास अच्छे मुनासिब ट्रस्टेड हमारे नेटवर्क के लोग नहीं होते आता है बंदा उसको ट्रेन करते हैं फिर वो माइग्रेट करके किसी और कंपनी में चले जाता है इट टेक्स टाइम सो मैंने लीवर ब्रदर्स से और कोलगेट पा से जो मैंने सीखा है वो ये कि ये लोगों ने सोसाइटीज क्रिएट करी अपने स्कूल्स क्रिएट करे डेढ़ सौ दो सौ साल के अंदर और उसके बाद जाके अब उन्होंने एक बच्चे को ले लेते हैं और बच्चे को कहीं जाने नहीं देते फिर वो बच्चा आपके पास दस बीस साल रहता है वहीं से रिटायर होता है तो आई पर्सनली फील कि अगर आप इस वर्टिकल को कैश करें और एक कंसल्टिंग कंपनी बनाएं या एक इनक्यूबेटर बनाएं जस्ट फॉर एजुकेशनर्स तो मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊं ना कि मैंने हाल ही में पांच दस करोड़ रुपए डाल के अपने एजुकेशन स्पेसेस क्रिएट करने की काम किया है ताकि मैं मेरे पास आदमियों की कमी ना हो मेरा बच्चा तैयार हो बचपन से हम बच्चे बनाते हैं अपनी बीवी के साथ मिलके मैं कहता हूँ अडॉप्ट कर ले अब मुझसे वो पूछे कितने बच्चे हैं आजकल तो मैं कहता हूँ आजकल मेरे दो सौ बच्चे हैं तो भाई दो सौ बच्चे कैसे हैं भाई मैंने अडॉप्ट किए हैं दो सौ बच्चे हैं मेरे बच्चे हैं मैं खर्चा उन, उनका उठाता हूँ तो सेम चीज़ अगर हम और लोगों के लिए कर दें तो क्या होगा कि हमें अपने जैसे जो लोग चाहिए होते हैं अपने औलादे हम बनाते हैं इसीलिए बनाते हैं कि भाई आगे चल के नाम रोशन करेगा काम रोशन करेगा काम बड़ा करेगा तो अगर आप इसी तरह से इनको हेल्प कर दें क्योंकि हर एक आदमी तो मेरी तरह सारा काम छोड़ के स्कूल बनाने नहीं बैठ जाएगा लेकिन एज अ कंसल्टिंग कंपनी एज एन कंपनीटर फॉर स्कूल एंड कॉलेज एंड यूनिवर्सिटीज एवरीबडी वॉन्स टू कंट्रीब्यूट पारसियों में कहते हैं कि फैमिली के अंदर रिक्वायरमेंट होती है एक कॉलेज एक स्कूल एक आ, अगर आप बहुत अच्छे हैं पारसी हैं तो आप एक आपने एक स्कूल बनाना है अपनी जिंदगी में और एक हॉस्पिटल बनाना है अपनी जिंदगी तो हॉस्पिटल so, को हम स्किप कर देते हैं हम वापस आ जाते हैं कि वाई का आई सी कैन बी दैट पर्सन जो मुसलमानों के लिए ये कर दे कि अगर आप मुसलमान हैं और आपने सौ करोड़ रुपए बनाए हैं तो आपका अपना स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी होने ही होने चाहिए और वो मैं आपको हेल्प कर दूंगी कि ये सब कैसे होना है मैं टीम्स बनाऊंगी तैयार करूंगी जैसे अमेजोन के वीए तैयार करता है सनी अली और अमेजोन एनेबलर, इसी तरह से आप आप एजुकेशन के वीए तैयार करेंगे सारे कंपोनेंट्स पुरजे तैयार करेंगे और उसी पुरजों में से आहिस्ता आहस्ता पार्टनर्स भी निकलेंगे यू you नो know, जो एग्जैक्टली ई कॉमर्स के लिए इनेबलर्स करता है आई सी के दाबिंदा एग्जैक्टली exactly वो चीज़ स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी के लिए कर सकती और स्केल में स्केलिंग सबसे ज्यादा स्किप कर गए हम चीज कि बहुत सारे जैसे अफाक फाउंडेशन अफाक है एक तारा वो करता है एजुकेशन के लिए काम आ, और तीन इतारे हैं इस तरह के काम करते हैं लेकिन स्केल नहीं सोच रहे मैं आपसे चार हजार यूनिवर्सिटी बनाने को बोल रहा हूँ थर्टी टू थाउजेंड यूनिवर्सिटीज हैं आज तक दुनिया में अच्छा यूनिवर्सिटी का को रिडिफाइन करना भी जरूरत है मैं कह रहा हूँ कि आप मोबाइल की यूनिवर्सिटी बना लें आप बजाय इसके कि सिर्फ

मैं तो इन थॉट्स के ऊपर हूँ अच्छा रेहान भाई आ, मैं इन्हीं के साथ डॉट्स कनेक्ट करूंगी फॉर एग्जांपल हमारी जो इंडस्ट्री है टेक इंडस्ट्री उस टेक इंडस्ट्री के अंदर बहुत से लोगों के ये पेन पॉइंट्स हैं कि हमें अच्छा रिसोर्स नहीं मिलता और अगर अच्छा रिसोर्स मिल जाता है तो हमें इतना अच्छा इतफाक नहीं होता कि हम लोग उस रिसोर्स को उस कंपनी की हद तक रहने दें हम उस रिसोर्स को तोड़ के अपनी कंपनी में ले आते हैं थोड़ा सा ज्यादा पे करके अब ये एथिकल चैलेंजेस भी है और ये इकोनॉमिक सिचुएशन भी है मुल्क की जिस तरह से चल रही है अब उनका ये चैलेंज है मैं ये चाहती हूँ कि एजुकेशन सिस्टम इस तरह का हो आपका चाहे आप बच्चे को स्किल सिखा रहे हैं चाहे फॉर्मल डिग्री करवा रहे हैं उसका हक है एजुकेशन और जितना ज्यादा आप उसके साथ कनेक्ट कर जाएंगे ना बच्चे के साथ उसके फ्यूचर के साथ उतना जल्दी वो बच्चे का दिल लग जाएगा आपके साथ कनेक्ट रहने को नहीं सिर्फ यूनिवर्सिटी के हद तक बल्कि आपका एलुमिनाय बनकर तो आप क्या करें आप बच्चे को पढ़ाएं अपने इदारे में सिखाएं और उसके बाद आप उसके साथ साथ पैरल साइड पे आप उस इंडस्ट्री की नीड्स भी आइडेंटिफाई करके रखें और उसके मुताबिक उस इंडस्ट्री की नीड के मुताबिक करिकुलम डिवाइस करके आप उनके बच्चों को ट्रेन करके फिर इंडस्ट्री को प्रोडक्ट तैयार करके दें ठीक है सो दिस इज चैलेंजिंग ऑल दो लेकिन इतना मुश्किल नहीं है इट कैन बी डन आज नहीं तो कल हमें ये करना पड़ेगा अब इंडस्ट्री आपसे ये नहीं कहती कि लाओ मुझे वो दस पेजेस की सीवी दिखाओ अब मुझे अपनी बड़ी बड़ी डिग्री दिखाओ डोंट आस्क फॉर दैट उन्हें सिर्फ आपका काम चाहिए रेलिवेंट जो भी उनकी जॉब डिमांड है सो इफ यू आर गुड इन दैट और अगर आपने उस बच्चे को एज एन इंस्टीट्यूशन क्योंकि स्टूडेंट इज नवेयर अबाउट इट उसका ब्लैक बॉक्स है सर के अंदर उस ब्लैक बॉक्स में कोई रोशनी नहीं है वो रोशनी एक इदारे ने बनानी होती है चाहे वो स्कूल है चाहे वो कॉलेज है वो होती है इंस्पिरेशन की फॉर्म में जो टीचर इंस्पायर करता है अनफॉर्चुनेट ये है कि जब टीचर बच्चे को इंस्पायर करने के बजाय ये कहते हैं कि नहीं तुम इस काबिल ही नहीं हो कि तुम ये कर सको नहीं जो मैं कह रहा हूं वो तुम करो सो वो डिक्टेट करना जब स्टार्ट करते थे बच्चे को सो so बच्चे का तो टैलेंट खत्म हो गया आपका बच्चा क्या करेगा कुछ भी नहीं कर सकता फिर सो वट वी हैव टू डू इज टू ब्राइट हिज माइंड वो जो ब्लैक बॉक्स है थोड़ी सी उसमें रोशनी डाले और उस बच्चे को उस इंडस्ट्री में रेलिवेंट इंडस्ट्री में वही स्किल सिखाएं जो उनकी डिमांड है सो so, आप अच्छा प्रोडक्ट मार्केट को इंडस्ट्री को दे सकते हैं जिसकी वजह से सबसे बड़ा प्रॉब्लम इंडस्ट्री का है कि हमें अच्छा ह्यूमन रिसोर्स नहीं मिलता तो आप उनका भी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे होंगे आप अपनी कम्युनिटी को भी सर्व कर रहे होंगे एक बच्चे को सर्व नहीं करेंगे आप उसकी पूरी फैमिली को बनाएंगे तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी पूरी फैमिली है जो इस वक्त पेनफुल प्रोसेस से गुजर रही है प्लस आप उस बच्चे के बिहेवियर्स पे और माइंडसेट पे काम करें वो बच्चा जो बैगिंग वाले माइंडसेट में है में मुझे कहीं पे नौकरी मिल जाए किसी तरह मेरे घर का किचन चल जाए तो भाई किचन चला लो इसमें कौन सी मुश्किल है लेकिन किचन चलाएं कैसे अनफॉर्चुनेट वंस अगेन कि आपने वो स्किल ही नहीं सीखा ना बच्चे को किसी टीचर ने बताया तो बच्चे का भी कसूर नहीं है बेचारे का वो जाता ही नहीं है उस तरफ किसी और तरीके से कमाने की तरफ तो वो भी कहते हैं कि नहीं पैसे नहीं है पैसा मसला है इस वक्त इस मुल्क का किचन चलाना मसला है इस मुल्क का सबसे बड़ा इस मुल्क का सबसे बड़ा मसला है कि माँ बाप बूढ़े हैं बीमार हैं उनकी बीमारी का इलाज करवाना है तो मुझे रिश्तेदारों से पैसे मांगने पड़ेंगे ये मसला है तो आप इन मसलों के हल के लिए एज एन इंस्टीट्यूशन उस बच्चे को इक्विप करें अच्छे करिकुलम से अच्छी इंडस्ट्री में प्लेसमेंट से और फिर आपकी जिम्मेदारी खत्म होती है इसके बगैर आपकी जिम्मेदारी नहीं खत्म होती अगर आप अपने आप को रियल टाइम एजुकेशन के कोई तोप समझते हैं हम तो कुछ भी नहीं है वी आर जस्ट न्यू बॉर्न टू एजुकेशन सिस्टम अदरवाइज इट्स टू बिग इट्स अ बिग वर्ल्ड जी तो मैं एग्जैक्टली exactly, हम आई थिंक हम दोनों एक ही बात कर रहे हैं लेकिन शायद मैं अपना पॉइंट अक्रॉस नहीं कर पाया मैं ये चाहता हूँ कि ताबिंदा नेटसोल के पास जाए और उनको बोले कि मैंने इनेबलर का अभी कॉलेज सेटअप करके दिया है मैं चाहती हूँ कि मैं नेट सोल को कॉलेज सेटअप करके दूँ यूनिवर्सिटी सेटअप करके दूँ और ओवर द नेक्स्ट टू इयर्स आपके पास पूरी लॉट होगी हजारों बच्चों की जो कि आपके आपके हिसाब से ट्रेंड होंगे आप करिकुलम नेट सोल के साथ हम मिल बनाएंगे उसके जो टॉप ऑफ द लॉट होगी वो आप रख लीजिएगा और जो सेकंड ईयर के बच्चे होंगे वो कहीं अपना जाके और जॉब ढूंढ आप लेंगे आपका एक सेकंड वेंचर भी खुल गया एंड एट द सेम टाइम आपको बच्चों को प्रॉब्लम आ रहा है तो बजाय इसके कि आप लोगों पे पैसे दे के उनको सिखाएं आप पैसे लेके सिखा दें यूनिवर्सिटी भी बना लें कॉलेज भी बना लें स्कूल भी बना लें उनसे पैसे भी ले लें वो और वो सेल्फ सस्टेनिंग हो गया एंड एट द सेम टाइम आपको एक प्रोडक्ट मिल गई जो कि आप आपको आपका तो आपका तो सारा बिजनेस ही यू नो ह्यूमन रिसोर्स पे है, तो आपने बजाय इसके पांच साल का तजुर्बा बच्चा आप अपनी कंपनी में रख के बताएं पांच साल से उसे काम देना शुरू कर दें चलो भैया दो घंटे दो घंटे रोज तुम नेट सॉल्व की शागिर्दी करोगे पांच साल तक वो बच्चा वैसे ही हो चुका होगा नेट सॉल्व के लिए सेम चीज आप जाके सिस्टम्स को ऑफर करें भी मैं सिस्टम्स लिमिटेड के लिए स्कूल बनाना चाहती हूँ कॉलेज बनाना चाहती हूँ यूनिवर्सिटी बनाना चाहती हूँ ऑन प्रोजेक्ट बेसिस ये आपकी कॉस्ट आएगी और आप अपना हिसाब कर लें कि आपको अगले चार साल में दस गुना बड़ा होने के लिए कितने इंसान चाहिए हम उतना बड़ा कॉलेज बनाएंगे और उतनी बड़ी यूनिवर्सिटी बनाएंगे और हर चीज क्योंकि आपकी अपनी होगी तो आप उसको फुली कंट्रोल कर सकेंगे जैसे आप अपना इदारे के अंदर कंट्रोल करते दैट इज आई एम टॉकिंग यू थिंक ऑन दैट मॉकिंगट सो दीज आर दिस इज एक्चुअली जो आपने बड़े अच्छे तरीके से फर्निश भी कर दिया जो मेरा एक आइडिया था जिसपे मैं भी अभी काम कर रही हूँ और आई विल कनेक्ट विद कंपनीज रेलेवेंट इंडस्ट्री और आई थिंक वी शुड डू इट इन फैक्ट ऑफ जस्ट टॉकिंग अबाउट इट एंड आई डू इट इनशाला अब इसमें अगर आपके पास आ, आप स्पेस हो टेन परसेंट की पत्ती का तो मैं भी हिस्सेदार बनना चाहूंगा और आई विल बी वेरी हैप्पी बिकॉज मुझे मालूम है कि ये बहुत सक्सेसफुल वेंचर है और जैसे मैंने कहा ना कि पाई का साइज इस वक्त साढ़े तीन हज़ार बिलियन डॉलर है जबकि दुनिया की बमुश्किल टेन परसेंट लोग एजुकेशन हासिल करते हैं हायर एजुकेशन अगर हम नाइन्टी परसेंट मजीद को ले आए तो ये पंद्रह ट्रिलियन से ज्यादा कबल के बीस ट्रिलियन डॉलर का बिजनेस बनता है विच इज ऑफ बिगर देन एनी और इंटरनेट के आने के बाद यूट्यूब के आने के बाद स्मार्टफोन uh, और ए आई के आने के बाद तो हर चीज खत्म हो चुकी है लास्ट टाइम में एच ई सी के चेयरमैन जो करेंट है उनसे मिलने गया था तो उन्होंने कहा कि मेरी बड़ी ख्वाहिश है कि बिल गेट्स तक मेरा पैगाम पहुंचा दो कि यूनिवर्सिटी डॉट वर्ल्ड बना दो बस खत्म कर दो सारी यूनिवर्सिटियां जरूरत ही नहीं है सारी यूनिवर्सिटियों की इतनी सारी एक ही स्टैंडर्डाइजेशन कर दो सब दुनिया के लोग एक्सेप्ट कर लेना आई टोटली एग्री ऑन ऑन दैट एंड एंड एम बोर्ड आप जैसे भी uh, आगे लेके जाना चाहें मैं तौर पे समझता हूँ कि यू शुड बी नोन एज सनी अली फॉर एजुकेशन स्केलिंग एजुकेशन जाके जितने भी कंपोनेंट्स हैं एजुकेशन के अच्छा ये रेगुलर डिसरप्शन कभी भी अंदर से नहीं आती डिसरप्शन हमेशा बाहर से आती है तो ये एजुकेशनिस्ट कर नहीं सकते ये किसी बाहर वाले को ही आके गूगल ने आके याहू को तबाह करना है ओपन ए ने आके गूगल को तबाह करना है माइक्रोसॉफ्ट इंतजार कर रहा है कि कौन है तबाह करेगा बहुत कम कंपनीज अंदर से चेंज लेकर आ सकती हैं ज्यादातर जो चीजें हैं वो पहले हमें बाहर से करनी होंगी और उसके बाद वो लोग एक्सेप्ट करना शुरू करेंगे वो कहेंगे नहीं नहीं पहले तो वो कहेंगे ना हमें सब पता है आपको क्या पता है एक बड़ी अच्छी मैंने इस हफ्ते कोटेशन सुनी मैं आपको शेयर, शेयर करता हूँ कि एक्सपर्ट किसको कहते हैं एक्सपर्ट उसको कहते हैं जो आज तक जितना भी इलम आया है उस चीज को वो बार बार देख चुका हूँ तो एक्सपर्ट से इनोवेशन की तो एक्सपेक्टेशन ही नहीं करनी चाहिए हर चीज बोल देता है ही नहीं सकता क्योंकि तो वो एक्सपर्ट ही पुरानी चीजों का है तो एक्सपर्ट से आप हाँ बात जरूर करें लेकिन एक्सपर्ट कभी भी चेंज मेकर नहीं होता है अनफॉर्चुनेटली उससे दूर रहना चाहिए जितना हो सके क्योंकि एक्सपर्ट का काम यह है नहीं आप गौर से सुनिएगा इसको एक्सपर्ट का काम यह है कि चीज को वैसे होने दो जैसे कि होता हुआ आ रहा है डिसरप्शन वो ला ही नहीं सकता क्योंकि हमेशा डिसरप्शन का मतलब ये है कि ऐसा काम करना जो कभी हुआ नहीं हो कभी किसी ने ट्राई नहीं की हो मेरे किताब में भी बहुत उसका वैल्यू होती है लेकिन आई डोंट ओपिनियन आई बिलीव इन एक्चुअली ट्राइंग इन डूइंग फेलिंग अबाउट इट बार बार फेल होते हैं हमें पता चल जाता है एज लॉन्ग एज यू आर एंजॉइंग द जर्नी तो फेल होने का क्या मतलब है आप पहाड़ पे चढ़ रहे हैं अगर पांव स्लिप हो गया तो इट्स पार्ट ऑफ द जर्नी

Uh, मैं आपसे कहा था अपनी जैसी हजार लड़कियां तैयार करें जो कि करेजिसकर हों रिस्क टेकर हों बोल्ड हों अपने ऊपर बिलीव करती हों अपने मियाँ से मोहब्बत करती हों इश्क करती हों सबके सामने करती हों ये नहीं कि छुप छुपा के, चुप के मोहब्बत कर रही है ताकि कोई उनकी तरफ छेड़ के देखे भी नहीं करीब भी नहीं जाएगा ना तो ये एक एक मॉडल है आप तो आप एक रोल मॉडल हैं जो कि मैं अपनी बच्चियों को कहता हूँ कि भाई राविंदा को आप बहन बना लें उनसे सीखे ही फॉरवर्ड टू तो आई um, होप के आप इसको सोचेंगी एंड आई थिंक दिस कैन ह्यूज बिजनेस फॉर यू और आपकी सारे ख्वाहिशात और ख्वाब इससे पूरे हो सकते हैं क्योंकि आप जब आप स्केल में कोई भी काम करते हैं तो हर इंसान के अंदर एक हीरा होता है वो बाहर आता है तो आप कहते ओ माएंगा गॉड चल तुम्हारे साथ ये कर देते हैं तो आपका नेटवर्क जितना बड़ा होता है और ट्रस्टेड नेटवर्क मैंने मुझे अपने स्कूल बनाने में सबसे ज्यादा मजा ये आ रहा है कि मेरे पास एक ट्रस्टेड नेटवर्क क्रिएट हो रहा है कि मैं अपने बच्चों को ये जो मेरे 200 adopted बच्चे हो गए उनको अपनी मर्जी से ट्रेनिंग दे सकता हूँ हंड्रेड परसेंट तो कोई बच्चा नहीं सुनता अपना बच्चा भी नहीं सुनता पांच दस परसेंट भी सुन ले तो भी बहुत बड़ी बात होती है तो आई थर इंजॉय माई स्कूल एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट इन यूर वेंचर्स आपको जब भी मुझे uh, आगे जाने के लिए कोई हेल्प चाहिए हो एंड आई एम नॉट आई आई मैं पार्टनरशिप्स में अच्छा नहीं हूँ इसलिए मैंने अब दस रुपए दस परसेंट की पत्ती मांगता हूँ सबसे जाकि मैं अच्छा हो जाऊँ आई है तो मैं उसमें मिस्टेक्स करना चाहता हूँ मैं उसमें अच्छा हो जाऊँ क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि अच्छे लोग जाया हो जाते हैं पार्टनरशिप्स ना करने की वजह से हम अपनी अपनी दुकानें चलाते हैं और उसका नुकसान ये होता है कि वो कहते हैं कि मेरा हुआ है और मैं कहता हूँ मेरा हुआ है होता ही कुछ नहीं तो so, uh, आप कलेबोरेटिव चले आप तो competitive world का जमाना नहीं रहा एंड आई वो के जब हम पाकिस्तान के सभी एजुकेशन सिस्टम को देखते हैं uh, uh, वहां पे एक कम्पेटिटिव राइवरी चल जाती है दूसरे के साथ सो आई थिंक इन स्टेड ऑफ बींगेड ऑफ जस्ट फाइटिंग फॉर द शेयर मार्केट शेयर इतना मेरा इतना आपका ऐसा नहीं करें मतलब कुछ स्टैंडर्डाइजेशन पे आ जाए आप कलेबोरेशन पे काम करना पड़ेगा हमें दिस इज नीड ऑफ एज और अगर आज नहीं करेंगे तो कल किसी को देख के हम कर रहे होंगे इंस्टेड ऑफ़ सेइंग कि हम कम्पेटिटिव हैं फिर हम कहेंगे कि हम बेंचमार्क कर रहे हैं उसको तो अभी कर ले अभी कलेबोरेशन पे आ जाए अभी सब लोग मिल जाए